अस्सलाम वालेकुम गाइस, आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल नोमी ट्रेवल। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो का हमारा जो टॉपिक है कि वो रोमानिया का वर्क परमिट कैसे हासिल किया जाता है, क्या रोमानिया वर्क परमिट इशू कर रहा है, क्या रोमानिया शेंजन जोन का हिस्सा बन जाएगा तो वर्क परमिट इशू करेगा या नहीं करेगा, तमाम तर एम्बेसी क्या इंटरव्यूज क्या हो रहे हैं, कब हो रहे हैं, कैसे हो रहे हैं, इंटरव्यू किस लैंग्वेज में होते हैं, तमाम तर डिटेल इस वीडियो में आपके लिए क्लियर करना चाहता हूँ। एक बात आपको यहाँ पर ही बता देता हूँ वीडियो स्टार्ट करने से पहले कि रोमानिया का वर्क परमिट फेक भी निकल रहा है। आपके वीज़ा, आपके पासपोर्ट के ऊपर वीज़ा स्टैम्प हो रहा है लेकिन वो भी फेक हो रहा है। आपने कैसे बचना है? आपने ऑनलाइन अप्लाई करना है रोमानिया के लिए या आप कंसल्टेंट के थ्रू भी अप्लाई कर सकते हैं? किसका फ़ायदा है, किसकी टोटल डेज कितने लग रहे हैं, कितना टाइम ले रहे हैं, वो प्रोसेस टाइम कितना है, तमाम तर डिटेल्स इस वीडियो में आपके लिए लाया हूँ। हमेशा की तरह वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक हमली सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन पर लाजमी टैप किया करें ताकि ऐसी ऑथेंटिक किस्म की न्यूज़ का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। जी हाँ दोस्तों, तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज की हमारी जो वीडियो का टॉपिक है वो क्या रोमानिया वर्क परमिट दे रहा है। सो आपको मैं बताता चलूँ, बहुत सारे दोस्तों का यही मैसेज आता है मेरे पास कि क्या रोमानिया वर्क परमिट इशू कर रहा है या नहीं कर रहा, क्योंकि आज की लेटेस्ट जो अपडेट है वो कह रहे हैं कि रोमानिया ने वर्क परमिट बंद कर दिया है। सो आपको मैं बताता चलूँ, रोमानिया ने वर्क परमिट बंद नहीं किया, वो स्टिल पाकिस्तान को क्या पूरे एशिया को या गोल्फ़ कंट्रीज़ को वो भी अपना वर्क परमिट इशू कर रहा है। आपको एक और बात यहाँ पे मेंशन करता चलूँ कि अगर आपने अभी अप्लाई किया है रोमानिया वर्क परमिट के लिए, जनवरी में अप्लाई किया है, तो उनका जो ऑफिशियल टाइम है, अगर आपने वर्क परमिट फिज़िकली किया है या ऑनलाइन किया है, अगर आपने ऑनलाइन वर्क परमिट के लिए अप्लाई किया है तो 120 दिनों तक आपका वर्क परमिट इशू हो जाएगा। 120 दिन उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर लिखे हुए हैं कि 120 दिन तक आप का वर्क परमिट इश्यू हो जाएगा, अगर हाँ आपने किसी कंसल्टेंट के थ्रू अप्लाई किया है, क्योंकि ज़्यादातर लोग ज़्यादा एजेंट माफिया से काम करवाते हैं। सो आपका वर्क परमिट अगर डिले होता है तो लास्ट टाइम जो मैसेजेस मुझे रिसीव हुए कि हमने तो 2 महीने हो गए हमने अप्लाई किया हुआ लेकिन अभी तक वर्क परमिट इश्यू नहीं हुआ, भाई कम अज़ कम आपने 2 से 5 महीनों के दरमियान आपका टाइम ले सकता है वर्क परमिट। हाँ, कई बार छुट्टियाँ होती हैं, लास्ट दिसंबर एंड पर छुट्टियाँ हो गई थी, फिर हैप्पी न्यू ईयर की छुट्टियाँ थी। सो आपका अगर वर्क परमिट लेट हो रहा है तो इसकी बेस यही है कि आपको वेट करना पड़ेगा। अगर आपके पास, मेरा खुद, मैंने अप्लाई किया हुआ है, ऑलमोस्ट 5 से 6 महीने हो गए हैं लेकिन वर्क परमिट अभी तक इशू नहीं हुआ। सो इसमें देर होती है। एक और लोगों का ये सवाल है कि अभी रोमानिया शेंजन में इंटर हो जाएगा, मार्च में इंटर हो जाएगा शेंजन जोन में, तो क्या वो वर्क परमिट इशू करेगा या नहीं करेगा? बिल्कुल करेगा यार, क्यों नहीं करेगा। वो रोमानिया का 2024 में जो कोटा इशू है, आपको पता है 2023 में 1 लाख बंदों की ज़रूरत थी रोमानिया को, 90,000 वीज़ा इशू हुआ है, 90,000 वर्क परमिट इशू है रोमानिया का, होल कंट्रीज़ के लिए, तमाम कंट्रीज़ के लिए 90,000 लोगों ने अप्लाई किया था और सबको वर्क परमिट मिले थे, 10,000 पेंडिंग में थे। इस साल 2024 के इमिग्रेशन वेबसाइट पर लिखा हुआ है कि 1,40,000 बंदों की ज़रूरत है। सो इट्स मीन कि 1,40,000 बंदों का कोटा रखा गया है इस साल के लिए, 1,40,000 वर्क परमिट इशू किए जाएंगे। हाँ, मैं आपको बताता चलूँ, 2024 मार्च में रोमानिया शेंजन जोन का हिस्सा बन जाएगा। मेरी लेटेस्ट वीडियो भी इस पर बनी हुई है, आप जाके देख सकते हैं कि ये ज़बरदस्त, ये फेक न्यूज़ नहीं है, क्योंकि सब लोग अभी भी कह रहे हैं कि ये फेक न्यूज़ है, रोमानिया कभी भी शेंजन जोन में नहीं है। सो आप 2 महीने वेट कर लें, 2 महीनों के बाद आप देखेंगे कि रोमानिया शेंजन जोन का हिस्सा बन जाएगा। हाँ, इसमें एक और बात आपको ऐड करता चलूँ, अगर आपने फ्यूचर में जन बनाया हुआ है रोमानिया के लिए, सो आज ही अप्लाई कर दें। उसकी वजह क्या है, अगर आपका अभी वीज़ा इशू तो बहुत अच्छा है, रोमानिया वर्क परमिट इशू कर रहा है, वो कब से कर रहा है और करता रहेगा वो वर्क परमिट इशू। हाँ, अभी अगर आपको वर्क परमिट मिल रहा है 2 लाख में, तो आफ्टर 2 मंथ अगर वो शेंजन जोन का हिस्सा बन जाता है तो उसकी वीज़ा पॉलिसी चेंज हो जाएगी, आपको वर्क परमिट ज़्यादा पैसों में मिलेगा, मीन वो डबल ट्रिपल हो सकता है। सो अगर आपने अप्लाई करना है तो आज ही अप्लाई करें, देर ना करें, अगर आपने फ्यूचर में रोमानिया में सेट होना है तो। एक और बात, लास्ट बात आपको बताता चलूं कि अगर आपने अप्लाई करना है तो आपके पास कम अज़ कम तालीम होनी चाहिए।
कम अज कम आपको एफ ए या बी ए तक आपकी तालीम होनी चाहिए, क्योंकि इसमें एक ज़बरदस्त पॉइंट आपको ऐड करता चलूँ कि रोमानिया का जो क्या पाकिस्तान से एम्बेसी का इंटरव्यू है वो इंग्लिश में होता है। वो ज़बरदस्त इंटरव्यू होता है, डिफ़िकल्ट होता है थोड़ा, क्योंकि आम बंदा उसको क्लियर नहीं कर सकता। हाँ, अगर कोई अप्लाई करना चाहता है रोमानिया वर्क परमिट के लिए तो उसके पास नॉलेज का होना, तालीम का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वो सही तरीके से तैयार होकर अपनी मेंटली तैयारी करके जाए ताकि तभी वो रोमानिया एम्बेसी का इंटरव्यू पास कर सकता है, क्योंकि वो डिफ़िकल्ट सवाल करते हैं। अगर आप मिडिल पास हैं या इससे कम तालीम रखते हैं तो आप कभी भी सोचे भी नहीं रोमानिया के वर्क परमिट को अप्लाई करने के लिए। सो लही यही अपडेट थी रोमानिया एम्बेसी से, रोमानिया वर्क परमिट से। अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो वेलकम, ऑनलाइन अप्लाई कीजिएगा। ऑनलाइन से यही फ़ायदा होता है कि आपकी एम्बेसी की फ़ीस जाएगी, वो प्रॉपरली आपकी जो डॉक्यूमेंट है वो उनके इमिग्रेशन तक सबमिट किए जाएंगे, आपको रिप्लाई आ जाएगा, तो वो बहुत अच्छा तरीका है विदाउट इंस्टीड इसके कि आप एजेंट के थ्रू काम करवाएं। टाइम भी ज़्यादा लग जाएगा, पैसे भी ज़्यादा खर्च हो जाएंगे, क्या पता आपको वीज़ा मिलता है या नहीं मिलता। अगर मिलता भी है तो आजकल फेक वीज़ास भी इशू हो रहे हैं, ये भी माइंड में रखना है कि आजकल रोमानिया एयरपोर्ट से भी डिपोर्ट किया जा रहा है लोगों को। उसकी वजह क्या है कि आपके पास फेक वर्क परमिट है। सो फेक वर्क परमिट कैसे अप्लाई किया, कैसे होता है आपको तो नहीं पता होता। वीज़ा एजेंट आपको तो आपके स्टैम्प कर देता है आपके पासपोर्ट के ऊपर, लेकिन जब आप रोमानिया एयरपोर्ट पर दाखिल होते हैं तो आप लोगों को यही कहते हैं कि आपके पासपोर्ट पर फेक वीज़ा लगा हुआ है। सो इससे बचना है, ऑनलाइन अप्लाई करना है रोमानिया के वर्क परमिट के रिलेटेड या किसी भी वीज़ास के रिलेटेड। आपको अगर कोई क्वेश्चन करना है तो लाजमी कमेंट बॉक्स में कीजिएगा। होपफुली आज की वीडियो मेरी आपको बहुत अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो आपसे यही रिक्वेस्ट है एट द एंड, मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को लाजमी टैप किया करें ताकि ऐसी ऑथेंटिक किस्म की न्यूज़ का नोटिफिकेशन आपको पहुँच सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नोमी को दीजिए इजाज़त। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।